हमारे जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई है हमारे पास, ये किसकी फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी जिसे हम बोलते हैं, एसी। और एसी का बिहेवियर क्या है, आप सब ने पढ़ चुके हैं कि एसी का बिहेवियर है घटना बढ़ना और बदलना, डायरेक्शन में बदलना। इसको हम बोलते थे एसी का पॉजिटिव हाफ, और इसे हम बोलते थे एसी का नेगेटिव हाफ। तो अब इस घटने बढ़ने का बदलने का मतलब क्या होता है? हालांकि एसी में हम सारा बात ये डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि आपने ये एक बल्ब लगा रखा है, बल्ब से आपने लगा दिया एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसे हम इस तरह लहर सी बनाकर शो करते हैं और लिखते हैं नीचे इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या होगा कि 1/100 सेकंड के लिए करंट कैसी चलेगी? 1/100 सेकंड के लिए करंट चलनी है कैसी? क्लॉकवाइज। और सोर्स वोर्स में आपने कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, सब कुछ ऐसा ही रहा, सब कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन अनदर 1/100 सेकंड के लिए अपने आप करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। कैसी चलेगी ये? ये चलेगी एंटी क्लॉकवाइज फॉर 1/100 सेकेंड, 1/100 सेकेंड। और एसी ही हमें मिलनी ही हुई है। एसी एसी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था कि हम इसे बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एसी तो भेजनी ही पड़ेगी, एसी के बिना काम ही चलेगा ही नहीं, करेक्ट। लेकिन अगर इसी सर्किट में अगर एक बैटरी डाल दूं, एक बैटरी डालने से क्या होगा कि 1/100 सेकंड के लिए ये क्या होगा? चार्जिंग होगी। फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए क्या होगा? डिस्चार्जिंग होगी। तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी बैटरी और ज्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी, और ज्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जब करंट फ्लो करेगी क्लॉकवाइज तो चार्ज हो जाएगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो इस ईएमएफ से करंट ड्रॉ कर रहे हैं आप सेल से, तो फिर क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, अल्टीमेटली तो डिस्चार्ज ही हो जाना है। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आपको बैटरी चार्ज करनी है तो जब करंट की डायरेक्शन बदले, उस बदली हुई करंट की डायरेक्शन को रोक दिया जाए। करंट जब बदल अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहे तो उसे रोक दिया जाए। तो आप क्या यूज करेंगे? आपको यूज करना है एक सिस्टम जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का एक्चुअल काम होता है क्या? ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा अरेंजमेंट है, डायोड ऑब्वियसली इसमें यूज होते हैं। तो डायोड के यूज से आप रेक्टिफायर बनाएंगे, और ये क्या काम करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। डायरेक्ट करंट का मतलब जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, भले मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी इसकी। कोई बात नहीं, अगर यहाँ घट बढ़ रही है करंट तो बढ़ने दो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट ना चले, अपोजिट डायरेक्शन में करंट ना चले। तो आपने सिंपली क्या लगाना? एक डायोड यहाँ लगा देना। डायोड जब लगा देंगे, जब आपका पी टाइप हायर पोटेंशियल पर, एन टाइप लोअर पोटेंशियल पर होगा तो करंट को चलने देगा ये। और जैसी करंट रिवर्स होगी, यानी कि निगेट एन टाइप हायर पोटेंशियल पर, पी टाइप लोअर पोटेंशियल पर आया, करंट को रोक देगा ये। तो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगी, 1/100 सेकंड के लिए करंट चलेगी। फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए करंट रोक देगा ये, तो डिस्चार्ज नहीं होगी। फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए करंट चलेगी, ये चार्ज होगी बैटरी। और फिर 1/100 सेकंड के लिए करंट रुक जाएगी, तो फिर बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो इस तरह से ये सिंपल सा एक बात है, आपने सीरीज में इसके एक डायोड लगा दिया। तो अब आपने एक्चुअली क्या कर दिया? आपने एक रेक्टिफायर बना दिया। क्या कर दिया आपने? आपने एक रेक्टिफायर बना लिया। तो इसने जो ऑल्टरनेटिंग करंट थी जिसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल रहा था, उसको ऐसा कर दिया कि डायरेक्शन ना बदले, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में करंट हो, डायरेक्शनल करंट बना दी इसने। ये ऑल्टरनेटिंग करंट ना बना करके डायरेक्ट करंट बना दी इसने जो एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो इसे हम अरेंजमेंट को बोलते हैं रेक्टिफायर। और अब क्या होगा? अब आप इस रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे बनाया जाता है रेक्टिफायर, और क्या इसकी वेव फॉर्म वगैरह होती है, इसे हम कल समझेंगे। लेकिन रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट आप समझिए,
कि बहुत सारे सर्किट है। देखो हमारी लाइफ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो एसी पर चलने के लिए बनाए गए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही की गई है एसी पर चलने के लिए। जितने भी आपके मोटर है, चाहे वो आपका सीलिंग फैन हो या आपका कूलर है या आपका एयर कंडीशन है या आपका रेफ्रिजरेटर है, जिसमें भी मोटर लगा हुआ है, ये दीज मोटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू बी वर्किंग ऑन एसी। एसी पर काम करने के लिए इन्हें बनाया गया, इन्हें सबको एसी पर काम करने के लिए बनाया गया, मोटर वगैरह। लेकिन आपके जो जितने भी साउंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाई देता है, साउंड जिसमें सुनती है, जितने भी स्क्रीन वाले डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंट टू वर्क ऑन डीसी, डीसी पर चलने के लिए इन्हें बनाया जाता है। लेकिन सप्लाई हमें क्या है, सप्लाई हमें क्या है, सप्लाई तो हमें सिर्फ एसी है, हमें डीसी तो मिली नहीं रही, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स को चलना है डीसी पर। एक्चुअली जो आजकल हम यूज कर रहे हैं ना एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट्स, वो सब डीसी पर ऑपरेट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एसी हमें मिल रही है इसे हमने डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, रेक्टिफायर यूज करेंगे। करेक्ट, क्या बनाएंगे प्रॉपरली, कैसे रेक्टिफायर बनाएंगे, कैसे इनका काम होता है, क्या कब रिवर्स बायसिंग होगा, ये हम कल समझेंगे। लेकिन अभी आपको ये बात याद रखनी है कि हमें मिल रही है एसी और हमें उसे कन्वर्ट करना है डीसी में, कुछ खास जगह यूज करने के लिए, स्पेशली वहां जहां साउंड सिस्टम है या कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्ले सिस्टम है, वहां हमें डीसी ही रिक्वायर्ड है, वहां हम एसी पर काम नहीं कर सकते। एसी क्यों, क्योंकि चेंज होती रहती है तो साउंड घटती बढ़ती रहेगी। एनीवे वो अलग बात है, डिटेल है कि क्यों एसी हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन एसी हम यूज नहीं करेंगे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में और डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। कल पढ़ेंगे हम रेक्टिफायर कि डायोड बना करके फायदा क्या हुआ, कैसे इसको ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है।